आज हम कलेजी को धोएंगे और उसकी जो स्मेल है उसको पूरा हटाएंगे, उसका तरीका बताएंगे। तो उसके लिए मैंने ले ली हूँ आधा किलो कलेजी। अब कलेजी को हम अभी धोकर बताते हैं। सबसे पहले कलेजी को हम एक इस तरीके की टुकनी में ले लेते हैं, इसको डाल देते हैं हम पूरी कलेजी को, और इसको हम बहते पानी में नल के नीचे अच्छे से इसको धो लेते हैं। इस तरीके से अच्छे से इसको हम धो लेंगे बहते पानी में। अब इसको हम वापस बर्तन में डालते हैं और इसको हम दो बार और अच्छे से धो लेंगे। इस पानी को फेंक देते हैं और इसको भी हम अच्छे से ऐसा धो लेते हैं। इसको भी हम पानी से निकाल कर इसका जो पानी है इसको फेंक देते हैं। अब इस चलनी को वापस हम एक बर्तन में रख के इस कलेजी का पूरा पानी निथार लेते हैं अच्छे से। इसका पानी पूरा अच्छे से निकलने के बाद में इसको वापस हम एक बर्तन में डालते हैं। इसमें हम चाहें तो नींबू का रस डालकर भी इसको इस तरीके से धो सकते हैं। अब हमें देखना ये है कि इसकी जो बदबू है, जो स्मेल है इसकी, वो कैसे दूर करें। तो उसके लिए अब हम इसमें एक चम्मच अदरक का पेस्ट या अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इस तरीके से ये डालेंगे और एक चम्मच इसमें हम डालेंगे सिरका। सिरका आप सादा या एप्पल साइडर विनेगर कोई सा भी ले सकते हैं। बस इतना ही डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको इस तरीके से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसमें हम अदरक का पेस्ट और विनेगर डाले हैं। इसको डालते साथ ही देखिए इसका जो कलर है ये बिल्कुल बदल गया है। ये जो कलेजी है बहुत अच्छे से साफ हो गई है। और इसको 10 मिनट तक के हम इसको छोड़ देते हैं, जिससे इसमें जो स्मेल वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं अभी हम। इसको 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें पानी डालकर इसको और अच्छे से धो लेते हैं। इसका पानी फेंकते जाएंगे हम। इसको 3 से 4 बार अच्छे से हम धो लेंगे इस तरीके से। इसमें जो हमने अदरक का पेस्ट डाले थे, विनेगर डाले थे, वो पूरी तरह से निकलना चाहिए। इसको 3 बार 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे साफ पानी से। फिर से साफ पानी में डालेंगे। इसको इतने बार धोना है जब ये पानी हमारा बिल्कुल साफ नज़र आने लगे। एक बार और धो लेते हैं इसको। ये देखिए पानी तो साफ हो गया है, फिर भी इसको एक बार धो लेते हैं हम। ये अच्छे से साफ हो गया है। अब हम एक सूखी वाली छलनी लेते हैं और उसमें उस कलेजी को निकाल के रख देते हैं। इसका पानी पूरा निथरने तक के, इसका जब तक के पानी ना निकल जाए। ये कलेजी बिल्कुल धुल के साफ हो गई है, इसकी जो स्मेल है वो भी अलग हो गई है। आप देखिए कलेजी का कलर बिल्कुल बदल गया है। देखिए हमने कलेजी को वॉश करे हैं और ये कलेजी हमने वॉश नहीं करे हैं। ये देखिए आप कलर देखिए, अब फ़र्क समझ में आ जाएगा आपको। ये हमने वॉश करे हैं और ये वॉश नहीं करे हैं, कितना अलग कलर हो गया है और इसकी जो स्मेल है वो भी अलग हो गई है। तो इस तरीके से धोइए। आप चाहे तो इसको आप फ्रिज पे रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको पका सकते हैं। आप चाहे जैसे चाहे वैसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके से कलेजी धोइए, इसकी जो सारी स्मेल वगैरह है बहुत अच्छे से आसानी से अदरक का पेस्ट और विनेगर से अलग।